हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग जो है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है हम उन चीज़ों को डील करने वाले हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फिड्यूशियरी लिमिट। क्यों? फिड्यूशियरी लिमिट के रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, MCQ आया हुआ है, ठीक है। स्टैटिस्टिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है, उसके स्टैंडर्ड एरर के बारे में पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है, तो इनके बेसिक्स को डील करेंगे, आज थ्योरेटिकल पॉइंट डील करेंगे, और फिर इससे रिलेटेड जो हमारा स्टैट का जो कुछ क्वेश्चन बच गया है उसको डील करेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोग रेडी होंगे। तो अगर मेरे वीडियोज पसंद आते तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो। सो ये सेलिंग के पहले मैं थोड़ा सा ये डील कर देती हूँ कि चूंकि हमारा जो एग्जाम है वो 2 मई को क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो अब क्या स्ट्रैटेजी रखना है, अब समझ लो कि आपका एग्जाम में भी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद ऐसे होगा, तो कुछ नहीं, अब जो पढ़े हुए हो उसी को रिवीजन करते चलो, कंटेंट रिवीजन करते चलो। और जो दूसरा काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना बार कर सकते हो उतनी बार करो, जितनी बार एक्सप्लेनेशन देख सकते हो उतनी बार एक्सप्लेनेशन देखो, है ना। ये बहुत बहुत बेनिफिट करेगा आपको अभी, चाहे वो पेपर 1 का हो या फिर पेपर 2 का हो, ठीक है। ये दोनों को आप जितनी बार कर सकते हो ना, आप उतनी बार करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अब पार्ट प्ले करेगा, क्योंकि कंटेंट जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, अब पढ़ोगे फिर से कंटेंट तो कोई फायदा नहीं होगा। अब सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितना ये सब कर सकते हो, कंटेंट को सिर्फ रिविजन करते चलो। अपना टाइम बांध लो कि इतनी देर कंटेंट रिविजन करेंगे, और मैक्सिमम टाइम जो है हम MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आई होप आपको एक क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने इसके पहले का वीडियोज नहीं देखा, लाइक मीन, मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी, तो अब आपके पास टाइम है तो आप डीप में देख सकते हो, एंड जरूर देखो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। कितना भी क्वेश्चन घुमा के आएगा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, रिलायबिलिटी, थ्रेड्स एंड ऑल। मैंने पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों से रिलेटेड करके रिसर्च में पढ़ा रही हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल, ठीक है। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आज का कंटेंट है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, ओके। सो हम लोग उसको देखते हैं। सो आ जाओ, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है हमारा? इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या है, वो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है हमारा आता है कि हम जो भी डाटा का न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग मीन, मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज डेविएशन, ये सब क्या था, जो भी डाटा था हमारा उसका न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक निकाल रहे थे, राइट। लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं डाटा के बियॉन्ड जाते हैं, यानी यहाँ पे हम इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं किसके बारे में, पॉपुलेशंस के बारे में, सैंपल का जो डाटा है उसके बेसिस पे, ठीक है। यानी ब्रांच ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स को हम लोग एस्टीमेशन भी कहते हैं, एक एस्टीमेट निकालते हैं, यानी रिसर्चर एक एस्टीमेट बनाना चाहता है किसके बारे में, पॉपुलेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में, किसके बेस पे, अपने सैंपल डाटा के बेस पे, ठीक है। यानी जब हमको वैलिड स्टैटिस्टिकल एस्टीमेशन चाहिए पॉपुलेशन के बारे में, तो वो किसको यूज करते हैं, वो रैंडम सैंपल्स को यूज करते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक में हम लोग सैंपल डाटा को पॉपुलेशन पे कोशिश करते हैं रिलेट करने का, और वो सैंपल्स किसके बेसिस पे होता है, रैंडम सैंपल्स के बेस पे, यानी प्रोबेबिलिटी सैंपल्स होता है, ठीक है। इन द ब्रांच ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स नोन एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये भी हमारे इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक के अंदर आता है, जहाँ पे रिसर्चर जो अपने स्पेसिफिक जो भी हाइपोथेसिस बनाए हैं, जिसको हम लोग पहले डील कर चुके हैं, कौन कौन से अल्टरनेट, नल या जो भी उनको बनाए हैं, उनको वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए, कौन से बेसिस पे, अगेन सैम्पल डाटा पे। तो अभी तक जितना भी पढ़े फ्रेंड, उसमें हम लोग बार बार यही देखें कि जो भी रिसर्चर है वो अपने पॉपुलेशन डाटा को ही, पॉपुलेशन के एस्टिमेट करने के लिए वो अपने सैम्पल डाटा को यूज करके पॉपुलेशन के एस्टिमेशन करता है, और पॉपुलेशन के बारे में जो चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ये था, और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एस्टीमेट करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। यानी इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक क्या करता है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज करता है, ताकि वो इन्फ्लुएंस निकाल सके, अनुमान कर सके, और स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन, यानी जो स्टैटिस्टिक है, यानी जो सैंपल है, उसके बेसिस पे वो कंक्लूजन निकाल सके किसका, पॉपुलेशन का, जो उसके सैंपल डाटा पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है सबको। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं
ठीक है, इसकी फोर इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है क्या, चार इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। वो फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है, जिसको कि आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो है हमारा सबसे पहला सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है। सैंपल क्या है, मान लेते हैं हमारा एक पूरा स्कूल है, वो हमारे लिए इसके लिए हमको रिसर्च करना, तो ये पूरे एक ही स्कूल है इस पर रिसर्च करना, इस स्कूल के अंदर क्या, ये पूरे स्कूल क्या है हमारे लिए पॉपुलेशन, और इसका जो सबसेट यानी शॉर्ट फॉर्म वो क्या होगा, यानी अगर इस स्कूल के अंदर से चार क्लास के बच्चे को जैसे दो दो बच्चे निकाल दिए, दो दो टीचर को ले लिए, तो वो क्या हो गया हमारा सैंपल हो गया। ठीक है, यानी सैंपल क्या है, सबसेट है जो कि हम ड्रॉ करते हैं किसमें से, पॉपुलेशन से, यानी छोटा भाग है जिसको कि हम पॉपुलेशन से निकालते हैं, और पॉपुलेशन क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ केसेस है। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया कि हो सकता है सारे फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट एक पॉपुलेशन हो सकते हैं, और उसमें से हम 200 बच्चे को निकाल लिए तो वो मेरा सेलेक्टेड सैंपल हो गया। पहला पॉइंट तो क्या था, सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना। जो दूसरा है वो क्या, वो स्टैटिस्टिक है, जिसको कि हम लोग सैंपल स्टैटिस्टिक भी कहते हैं। इज अ न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल, यानी जो हम लोग स्टैटिस्टिक टर्म यूज करते हैं वो क्या है, हमारा न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक है किसका, सैंपल का। और जो हम लोग पैरामीटर टर्म यूज करते हैं वो क्या है हमारे लिए, पॉपुलेशन का पैरामीटर है, यानी न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक किसका, पॉपुलेशन का। यानी जो हम लोग मीन, न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक मीन निकालते हैं, प्रोपोर्शंस निकालते हैं यानी परसेंटेज निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ये सब क्या, एक न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर इस न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग स्टैटिस्टिक टर्म करके निकाले तो वो किसके लिए निकाल रहे हैं, सैंपल के लिए। और अगर हम इसको पैरामीटर टर्म करके निकाल रहे हैं तो वो किसके लिए निकाल रहे हैं, पॉपुलेशन के लिए। जैसे यहाँ देखो लिखा है कि इफ अ मीन और अ कोरिलेशन और एनी अदर न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी मीन, मीडियन, एवरेज, डेविएशन, ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए, सैंपल डाटा के लिए। ठीक है, किसके लिए, सैंपल डाटा के लिए, तो वो क्या हो गया हमारा स्टैटिस्टिक। तो ये याद रखना है, एस से सैंपल और एस से स्टैटिस्टिक। और अगर बेस्ड है हमारे इंटायर पॉपुलेशन के लिए जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे कि सेंसस हो गया कोई भी, तो वो क्या हो जाता है हमारा पैरामीटर। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या डील किए, दो पॉइंट डील किए। दो पॉइंट में क्या क्या डील किए, पहला ये कि हमको सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंस देखना होगा, दूसरा जो हम लोग टर्म यूज करते हैं स्टैटिस्टिक और पैरामीटर इसको समझना होगा, यानी स्टैटिस्टिक किसके लिए, जब हम लोग सैंपल से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन करते हैं तो, और पैरामीटर किसके लिए, जब हम लोग पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन करते हैं तो। ठीक है, थर्ड क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है हम सैंपल को स्टडी करते हैं व्हेन, कब, जब हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं पॉपुलेशन से, यानी हम सैंपल को इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हम उसको पॉपुलेशन में जनरलाइज कर सकें। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम बोल सकते हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है पॉपुलेशन के लिए कंक्लूजन निकालते हैं सैंपल से, किस पे, पॉपुलेशन के लिए, यानी लार्ज सैंपल के लिए हम लोग रिजल्ट खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वी डोंट स्टडी पॉपुलेशन डायरेक्टली, हम लोग डायरेक्टली पॉपुलेशन को नहीं पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि वो कॉस्ट प्रोहिबिटिव हो सकता है, लॉजिकली इम्पॉसिबल हो सकता है कि हर एक को हम उठा उठा के पॉपुलेशन से पढ़ें, इसीलिए हम किस पे फोकस करते हैं, सैंपल पे स्टडी करते हैं पॉपुलेशन की जगह पे, और उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं और उसको लार्ज सैंपल की ओर खींच के ले जाते हैं। यानी सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक इज दैट वी कैन असाइन प्रोबेबिलिटीज टू आवर स्टेटमेंट एंड वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन दैट आर वेरी लाइकली टू बी करेक्ट, जो बहुत हद तक सही हो सकता है। यानी सैंपल को हम लोग रीड करते हैं और उसके बेसिस पे हम जो है पॉपुलेशन पे रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो थर्ड हमारा क्या था कि हम लोग सैंपल को स्टडी करते हैं कब, जब पॉपुलेशन रिलेटेड होते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, फर्स्ट क्या था हमारा, सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंस, सेकंड क्या था, स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर को समझना, थर्ड क्या था कि हम लोग सैंपल को तभी पढ़ते हैं जब हम लोग बहुत, मतलब हम लोग इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स तभी करते हैं जब हम लोग पॉपुलेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, अब चौथा क्या है, रैंडम सैम्पलिंग इज अज्यूम्ड इन इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स।
हम लोग जो इन्फ्लुएंसर स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें हम लोग मोस्टली किसको अज्यूम करके चलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग को अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, ठीक है, अज्यूम करते हैं रैंडम सैम्पलिंग को अज्यूम करते हैं, यानी रिसर्चर एंड स्ट्रेटजी यूज डिफरेंट सिंबल्स फॉर, ये भी देख लो क्यों, क्योंकि इट अलाउज रिसर्चर टू यूज द प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। रिसर्चर और स्टैटिस्टिशियन जो है डिफरेंट सिंबल यूज करते हैं किसके लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए और पैरामीटर के लिए। इसलिए फ्रेंड्स बहुत बड़ा सा होता है ना कि हम लोग जब देखते हैं तो कहीं पर लिखा होता है एक्स माइनस एम, अगर जेड स्कोर निकालना होता है तो, है ना, और कहीं क्या ऐसे लिखा होता है स्मॉल एक्स माइनस एक्स बार, इस तरह से लिखा होता है, कहीं लिखा होता है एक्स माइनस म्यू, तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए ताकि ये पता चल सके कि हम लोग पॉपुलेशन और सैंपल के लिए अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। एंड फ्रेंड्स ये थोड़ा बेसिक था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो जो स्टैटिस्टिक्स है उसके लिए हम लोग ग्रीक लेटर यूज करते हैं और जो पैरामीटर है उसके लिए हम लोग रोमन लेटर यूज करते हैं। जैसे देखो यहाँ कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं, जैसे मीन के लिए हम लोग स्टैटिस्टिक के लिए एक्स बार यूज करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए हम लोग म्यू यूज करते हैं। वेरियंस में स्टैंडर्ड डेविएशन जब लिखना होता है तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लिखते हैं जब सैंपल की बात करते हैं, और ऐसे हम सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ लिखना होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते हैं और ऐसे हम क्या करते हैं सिग्मा लिखते हैं। कोरिलेशन भी देखोगे फ्रेंड, कहीं कहीं आर लिखना होता है कहीं रो, क्यों, आर किसके लिए स्टैटिस्टिक के लिए और रो किसके लिए पॉपुलेशन के लिए। प्रपोर्शन भी स्मॉल पी स्टैटिस्टिक के लिए और पाई जो है वो पैरामीटर के लिए। रिग्रेशन कोफिशियंट भी बी जो है स्टैटिस्टिक्स के लिए और जो सिर्फ बीटा है वो हम लोग पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए यूज करते हैं। इसलिए हम लोग इसलिए कहीं कहीं पे आप जरूर देखे होंगे फ्रेंड्स जो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं या जो पीएचडी वगैरह कर रहे होंगे उन लोग, कि हम लोग अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं अपने अपने ये समझने के लिए कि वो पॉपुलेशन, यानी अगर हमको कभी क्वेश्चन में ही हमको ऐसे दे दिया म्यू करके या कुछ भी तो हम समझ जाएंगे कि वो ये डाटा हमको होल पॉपुलेशन के दिया है ना कि किसके लिए स्टैटिस्टिक्स के लिए दिया, और अगर सैंपल के लिए दिया होगा तो हमको डिनोट करेगा इट्स फॉर सैंपल, ठीक है। तो यानी अभी तक हम लोग क्या देखे कि इन्फ्लुएंसर स्टैटिस्टिक क्या होता है, जहाँ पे हम लोग सैंपल से कंक्लूजन निकालते हैं किसके लिए पॉपुलेशन के लिए। इसमें चार बात का ध्यान रखना होता है, क्या क्या, सैंपल और पॉपुलेशन का डिफरेंस, दूसरा स्टैटिस्टिक और पैरामीटर का क्या कॉन्सेप्ट है, तीसरा हम लोग इन्फ्लुएंसर स्टैटिस्टिक तब करते हैं जब पॉपुलेशन इंटरेस्टेड हो, चौथा कि हम लोग इन्फ्लुएंसर स्टैटिस्टिक्स के लिए जो है क्या करते हैं मान के चलते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग ही चलेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग अभी तक पढ़े हैं, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टर्म सीखते हैं, वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन का और द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट रिजल्ट व्हेन ऑल पॉसिबल, क्या, जब वो रिजल्ट करता है ऑल पॉसिबल, ठीक है, ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल्स ऑफ अ पर्टिकुलर साइज आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन, यानी जितने भी पर्टिकुलर साइज के रिसर्च हैं वो सैंपल या पॉपुलेशन से ड्रॉ किए जाते हैं तब। लाइक मान लो मैंने मुझे टेस्ट करना है किसी स्कूल का, ठीक है, स्कूल का, उसमें से मैंने चार बच्चा निकाला उसका स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किया, फिर चार बच्चा निकाला उसका स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किया, फिर चार बच्चा निकाला उसके स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किया। तो ये क्या है, हम जितना पॉसिबल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं उनको हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो बार बार सैंपल निकालते हैं इसको कहते हैं रिपीटेड सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये दोनों टर्म भी क्लियर है, ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम थ्योरेटिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते हैं किसका, वैल्यू का, जो कि रिजल्ट होता है कब, जब सारा रैंडम सैंपल, जितना रैंडम सैंपल्स है किसी पार्टिकुलर साइज का उसको हम पॉपुलेशन से निकालते हैं, यानी धीरे धीरे करके हर एक सैंपल को यूज करते हैं और हर का स्टैटिस्टिक निकालते हैं और उसके बेसिस पे करते हैं। रिपीटेड सैंपलिंग का मतलब क्या, ड्राइंग मैनी ऑल पॉसिबल सैंपल्स फ्रॉम पॉपुलेशन, यानी हर पॉपुलेशन से बार बार हम हर तरह का सैंपल जो है बार बार रिपीट करते रहे, सैम्पलिंग उसी पॉपुलेशन से निकालते रहे, तो वो होता है हमारा रिपीटेड सैम्पलिंग। देखो फ्रेंड्स ये दो टर्म हमको पेपर टू से तो हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर वन में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए रिपीटेड सैम्पलिंग असर्शन या उस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है।
तब समझते सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, दैट द वैल्यू ऑफ एनी सैम्पल स्टैटिस्टिक, कोई भी सैम्पल स्टैटिस्टिक। अब बताओ फिर सैम्पल स्टैटिस्टिक के अंदर हमारा क्या क्या आएगा, मीन आएगा, मीडियन आएगा, कोफिशिएंट कोरिलेशन आएगा, ये भी एक दिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिसमें बाई सीरियल ये सब जो कोफिशिएंट वो सब एडिट करेंगे, वो सब आएगा, ठीक है, जो कि हमारा सैम्पल टू सैम्पल क्या होगा, डिफरेंस होगा। अगर हम ये सोचें कि हम अलग अलग सैम्पल उठाए हैं फ्रॉम अ पॉपुलेशन एंड कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक, अलग अलग सैम्पल उठाए और सबका स्टैटिस्टिक वैल्यू यानी मीन मीडियन निकाले हैं हर सैम्पल का, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सैम्पल ऑफ वैल्यू टू बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम वन अदर, एक दूसरे से वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा सारा वैल्यू जो वो सेम हो, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या रिपीटेड सैम्पलिंग करके स्टैटिस्टिक निकालते हैं, मीन मीडियन मोड निकालते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारा वैल्यू सिमिलर हो सकता है आस पास हो, लेकिन सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सैम्पल से सैम्पल में जो रिजल्ट है वो क्या होता है, वैरी कर जाता है, और इसी वैरी को हम लोग क्या कहते हैं, सैम्पलिंग एरर बोलते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टर्म है सैम्पलिंग एरर, क्या है, ये डिफरेंस है बिटवीन सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड द करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। यानी हम लोग अलग अलग सैम्पल का स्टैटिस्टिक निकाले, मीन निकाले, मीडियन निकाले, मोड निकाले, और फिर जब बार बार सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते गए और उसके बाद फिर फाइनली सारा वैल्यू निकाले और पॉपुलेशन का निकाले और मिलाने की कोशिश किए, तो वैरी करेगा। तो ये जो वेरिएशन होता है इसी को हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग एरर, यानी हमारा सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक और जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उसके बीच के डिफरेंस के जो वेरिएशन होते हैं, यानी जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग एरर, ठीक है। एक सेकंड पे लैपटॉप चार्ज में लगा दूँ। ठीक है, तो सैम्पलिंग एरर क्लियर हो गया, क्या है, ये डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स एंड द करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। और ये हमेशा हमारे रिसर्च में प्रेजेंट होगा, क्योंकि रिसर्चर जो है वो रेयरली स्टडी करते हैं हर एक को पॉपुलेशन में, ठीक है, इसलिए प्रेजेंस ऑफ सैम्पलिंग एरर हमारे हर एक रिसर्च में होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा रैंडम सैम्पलिंग जो है वो वर्क नहीं किया या रिसर्चर ने मिस्टेक कर दिया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक यानी जो सैम्पल का जो वैल्यू लिए थे किसमें से, रैंडम सैम्पल से, टेंड टू वैरी बिकॉज ऑफ चांस फ्लक्चुएशन, यानी चांसेस के कारण थोड़ा सा वो फ्लक्चुएट ऊपर नीचे हो जाता है। सीधा देखो, जब भी एरर आता है तो हमारे माइंड में ये क्या कॉन्सेप्ट आता है, सैम्पलिंग एरर आ जाता है, या कोई भी एरर आता तो हम सोचते हैं वो हमारा रैंडम सैम्पलिंग नहीं किए होंगे तभी एरर, नहीं ये नहीं है, ये क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग में आया हुआ है घुमा करके। तो इसलिए ये ध्यान में रखना कि सैम्पलिंग एरर का मतलब ये नहीं कि हमने रैंडम सैम्पलिंग में गलती की है, नहीं, इसका मतलब ये है कि हमने जो सैम्पल लिया था उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव होंगे या हमारा जो डाटा है वो वैरी कर सकता है, ठीक है। और इसीलिए ये एरर जो है मोस्टली हमारे हर रिसर्च में प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम हर एक को पॉपुलेशन में नहीं पढ़ते, ठीक है। तो सीधा यहाँ लिखा है सैम्पलिंग एरर का डेफिनेशन, वही जो अभी एक्सप्लेन किए, क्या डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ अ सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड द करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। हमेशा याद रखना सैम्पलिंग एरर क्या है, जब सैम्पल और पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच में जो एरर लेते हैं वो है, ठीक है। अब क्या होता है, रिसर्चर जो है कभी कभी उनको एक इंडिकेटर चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ सैम्पलिंग एरर हुआ है, यानी कितना वेरिएशन हुआ है, उनको ये चाहिए जो कि उनके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट है। यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पीछे पड़ चुके अगेन, क्या बार बार रैंडम सैम्पल निकालते हैं और हर एक सैम्पल का क्या करते हैं हम लोग, स्टैटिस्टिक निकालते हैं और उसके बाद उसका देखते हैं, तो वो होता है हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो रिसर्चर को जो है एक इंडिकेटर चाहिए ये बताने के लिए कितना अमाउंट ऑफ सैम्पलिंग एरर है, ठीक है। और इसी चीज़ को जानने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड एरर किसी भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। तो देखो फ्रेंड, दो टर्म आ गए यहाँ पे, एक सैम्पलिंग एरर, दूसरा स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर का मतलब कुछ खास नहीं है, स्टैंडर्ड एरर का सीधा सा मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में उसी को हम लोग स्टैंडर्ड एरर का टर्म देते हैं। कैसे, आगे और डिटेल में समझेंगे, पहले हम एक बार रिकॉल कर देते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। याद करो फ्रेंड, हम लोग सीखे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, जब हम लोग डेविएशन निकालते हैं कैसे, रॉ से मीन का, और क्या करते हैं,
एन से इसको स्क्वायर करके एन से अंडर रूट डिवाइड करते हैं, यही स्टैंडर्ड डिविजन हम लोग सीखे हैं। इसी को जो है हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एरर के टर्म में डिनोट करते हैं, कैसे आगे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा स्टैंडर्ड डिविजन टेल अस हाउ मच वेरिएशन देयर, स्टैंडर्ड डिविजन को सीधा से बताते कितना वेरिएशन है, किससे हमारे हम लोग निकालते हैं एक्स माइनस मीन, है ना, एक्स माइनस मीडियन, एक्स माइनस मोड। तो क्या देखते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि हमारा जो डाटा है स्टैटिस्टिक डाटा यानी जो सैम्पल डाटा है उससे कितना वेरिएशन हो रहा है, कितना दूर जा रहा है हमारा डाटा। इन द वेरी यानी द वेरिएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब बाई डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी सैम्पल में जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है उसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो हमको बताता है कि जो हमारा स्टैटिस्टिक का जो मीन है या मीडियन या जो भी हमारा स्टैटिस्टिक का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है उससे हमारा जो रॉ डाटा वो कितना वैरी कर रहा है, कितना डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ठीक है, कितना डाटा जो है वो भाग रहा है। हाउएवर जो स्टैटिस्टिशियन है इस स्पेशल टाइप ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर कॉल कर कहते हैं, ठीक है, ये क्योंकि ये भी हमको यही बताता है कि कितना वेरिएशन हमारा स्कोर का डेट मेकअप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हम लोग सैम्पलिंग एरर क्या बताता है, यही बताता है स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच में क्या डिफरेंस वेरिएशन आ रहा है। उसी तरह से स्टैंडर्ड डेटा भी हमको यही बताता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा क्या वेरिएशन आ रहा है, कितना वेरिएशन आ रहा है हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। यानी जब भी हम स्टैंडर्ड एरर का टर्म सुनेंगे तो हम हमेशा किसके बारे में सोचेंगे, कितना वेरिएशन आ रहा है हमारे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या वेरिएशन आ रहा है वही हमारा स्टैंडर्ड एरर होता है। तो देखो यहाँ डेफिनेशन भी लिखा है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसका फॉर्मूला भी देखेंगे, थोड़ा सा और समझते हैं। जब लॉट ऑफ सैम्पलिंग एरर हो, सैम्पलिंग अब यहाँ पे देखो ये सैम्पलिंग एरर का टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग एरर होता है हमारे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में तो जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो भी क्या होता है, लार्ज हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सैम्पलिंग एरर क्या बताता है, हमारे सैम्पल और पैरामीटर के बीच का डिफरेंस, और अगर ये बढ़ गया तो हमारा स्टैंडर्ड एरर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा हुआ है, सैम्पलिंग एरर बढ़ा तो स्टैंडर्ड एरर भी हमारा लार्ज हो जाएगा, और जब हमारा सैम्पलिंग एरर बहुत ज़्यादा नहीं है यानी कि कम है तो हमारा स्टैंडर्ड एरर भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, समझ गए। अगर स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा है इसका मतलब सैम्पलिंग एरर भी ज़्यादा हुआ होगा, अगर स्टैंडर्ड एरर कम है इसका मतलब सैम्पलिंग एरर भी क्या है, कम होगा, ठीक है। यानी जैसे एग्जांपल से समझते हैं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन लार्ज रैंडम सैंपल, मान लो एक सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा लार्ज सैंपल है जैसे मान लो 1500, तो स्टैंडर्ड एरर विल बी स्मॉलर, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर यहाँ क्या होगा, स्मॉलर होगा, यानी जब सैंपल लार्ज लेंगे तो स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, स्मॉल होगा, स्टैंडर्ड एरर स्मॉल हुआ इसका मतलब सैंपलिंग एरर भी क्या हो गया हमारा, स्मॉल। Then, if the sampling distribution is based on small random sample, यानी इस concept का ऐसे समझो, ये तो लिखा है ऐसे समझो, मैं आप flowchart से explain करती हूँ, चलो दो line खींच लेते हैं। इधर मान लो sample हमने लिया है 1500, इधर लिया है हमने 25, तो इस केस में sample क्या है, large, इस केस में sample क्या है, small। जब लार्ज सैंपल होता है तो स्टैंडर्ड एरर हमारा क्या होता है, स्मॉल होता है, और अगर स्टैंडर्ड एरर स्मॉल है इसका मतलब सैंपलिंग एरर भी क्या हो गया, स्मॉल हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल सैंपल है इसका मतलब स्टैंडर्ड एरर जो है इसके मुकाबले क्या होगा, बड़ा होगा, तो सैंपल एरर भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये रिलेशन हमेशा याद रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही लिखा है, दैट्स बिकॉज ऑन एवरेज या लार्ज सैंपल्स, दैट्स बिकॉज ऑन एवरेज या लार्ज सैंपल प्रोवाइड वैल्यू क्लोजर टू द पॉपुलेशन पैरामीटर देन सैंपल्स टू, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जो लार्ज सैंपल है वो हमको पॉपुलेशन पैरामीटर से आसपास का वैल्यू बताते हैं, जैसे जिसके स्मॉल सैंपल के मुकाबले, यानी स्मॉल मान लो हमारे पॉपुलेशन का वैल्यू आया 50 और हमारे सैंपल मान लो सैंपल बड़ा था तो उसका मीन वैल्यू आया 50, मान के चलते हैं अभी थोड़ी देर के लिए,
और इसी का पैरामीटर निकाले तो ये भी 40, 51 या 49 के अप्रॉक्स आ गया। लेकिन मान लो हमारा सैंपल छोटा है और उसका मीन वैल्यू आ गया 25, लेकिन हम लोग जब पॉपुलेशन का निकाले तो आ गया 50 के आसपास, तो देख रहे हो कितना डिफरेंस हो रहा है। तो इसीलिए जो लार्ज सैंपल होते हैं वो हमको आसपास का वैल्यू बताते हैं, किसके आसपास का, हमारा पैरामीटर के आसपास का। और इसीलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर और सैम्पलिंग एरर क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। ठीक है, कहा आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गया होगा कि कब सैंपल एरर या स्टैंडर्ड स्मॉल होता है। यानी इन शॉर्ट देखो यहाँ लिखा है रिसर्चर प्रेफर स्मॉल स्टैंडर्ड एरर। रिसर्चर को क्या चाहिए, स्मॉल स्टैंडर्ड एरर चाहिए। यानी अ गुड वे टू गेट अ स्मॉल स्टैंडर्ड एरर इज टू सेलेक्ट अ लार्ज सैंपल। यानी अगर स्टैंडर्ड एरर छोटा चाहिए तो सैंपल क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। ये क्या है, ये थ्योरेटिकल, ये अगेन वही जो हम लोग ऊपर अभी पढ़े सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वही है, बस यहाँ पे क्या है मीन का पूछा। यानी यहाँ पे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन ऑफ ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल। यानी जितना भी रैंडम सैंपल हम लोग बार बार निकाल रहे थे उसका हर का जो मीन है किसी पार्टिकुलर साइज का जो पॉपुलेशन से हम ड्रॉ करते हैं उसी को बोल रहा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। ठीक है, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ नहीं बस रैंडम एक पॉपुलेशन था, इसके अंदर से अलग अलग रैंडम सैंपल सेलेक्ट कर रहे थे और अलग अलग स्टैटिस्टिक निकाल रहे थे, यही था हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एस्टिमेशन के लिए और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, जो कि मेजर डिविजन इन्फ्रेंस स्टैटिस्टिक्स के लिए। यानी इन्फ्रेंस स्टैटिस्टिक करना है तो हमको ये दो काम तो करना ही होगा। तो अभी तक हम लोग जो भी देखे फ्रेंड्स क्या क्या देखे एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला इन्फ्लुएंस स्टैटिस्टिक्स का पार्ट देखे कि स्टैंडर्ड एरर क्या हो, सबसे पहले जैसे देखे वो देखे, सबसे पहले सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, स्टैटिस्टिक क्या है और पैरामीटर ये समझ में आना चाहिए। फिर तीसरा हम लोग देखे कि जो हमारा इन्फ्लुएंस स्टैटिस्टिक हम तभी यूज़ करते हैं जब हमको किसमें इंटरेस्ट हो, पॉपुलेशन में। और चौथा देखे कि इन्फ्लुएंस में हम लोग मान के चलते हैं कि रैंडम सैंपलिंग होगा। फिर देखिए हम लोग क्या कि रैंडम सैम्पलिंग होता है तो सैम्पलिंग एरर होता है, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन सैम्पल और पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंस अगर आ जाता है तो। और फिर हम लोग पढ़े स्टैंडर्ड एरर जो कि हमारा किससे रिलेट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के जैसा ही है, एज लाइक हम लोग वही समझते हैं। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट हम लोग आज पढ़े। ओके, अब जब हम लोग समझते हैं एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का मतलब आपको पता है फ्रेंड, हम कहते हैं कि चलो जैसे मान लो हम लोग अभी कट ऑफ की बात करते हैं, हम कहते हैं ना एग्जाम दे के आते हैं तो कहते हैं एक एस्टिमेशन बताओ कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो कोई बोल देता है कि हाँ एग्जैक्ट 72% कट ऑफ जाएगा, कोई बोलता है नहीं 68 से लेके 72 के बीच में कट ऑफ जाएगा। यानी एस्टिमेशन भी हम लोग दो तरह का निकालते हैं, एक तो एग्जैक्ट बता दिए और एक लिमिट दे देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स में भी हम लोग एस्टिमेशन करते हैं, इसमें भी हम लोग या तो पॉइंट एस्टिमेट करते हैं या फिर एक लिमिट देते हैं। यानी अगर सिंगल नंबर यूज कर रहे हैं सैंपल स्टैटिस्टिक का एज एस्टिमेट, यू बेस योर बेस्ट गेस ऑफ द पॉपुलेशन, यू आर इंगेज इन पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, यानी अगर हम एक सिंगल नंबर वैल्यू देते हैं जो कि हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर को बेस्ट गेस करेगा तो वो होता है हमारा पॉइंट एस्टिमेशन। लेकिन अगर हम लोग रेंज ऑफ नंबर देते हैं तो वो होता है हमारा इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है, जैसे एक तो एग्जांपल कट ऑफ का दे दिए, एक एग्जांपल ये भी लग लो, मान लो मैं बोली कि मेरे घर से कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे घर से जो है थिएटर कितनी दूर है, तो मैंने बोला 10 किलोमीटर, और फिर मेरे से किसी और के लिए पूछा कि उसके घर से कितनी दूर है, तो उसने बोला 10 से 12 किलोमीटर। तो ये क्या, मैंने एकदम एक पॉइंट एस्टिमेट दिया या बेस्ट गेस करने की कोशिश की कि हाँ भाई इतना दूर है, और किसी ने एक रेंज बता दिया। तो ये कहते हैं, ये दो तरह का होता है एस्टिमेशन स्टैटिस्टिक में, एक पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। तो चूंकि सैंपलिंग हम ये भी अभी जस्ट पर क्या है कि हर एक रिसर्च में कहीं ना कहीं सैंपलिंग एरर होगा ही, तो
इसीलिए हम पॉइंट एस्टिमेशन का यूज नहीं करते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन के जगह पे हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन का। ठीक है, रिसर्च में हम लोग इंटरवल एस्टिमेशन का यूज करते हैं, जिसको कि हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल या फिड्यूशियरी लिमिट भी बोलते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, यानी जब रिसर्चर यूज करता है इंटरवल एस्टिमेशन तो वो किसको कंस्ट्रक्ट करता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल को। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, ये एक रेंज ऑफ नंबर्स है जिसको कि हम इन्फर्ड करते हैं, कहाँ से, सैंपल से, अनुमान लगाते हैं सैंपल से कि हाँ भाई ये जो सर्टेन प्रोबेबिलिटी है, जो ये जो रेंज है, ये इंक्लूड कर सकता है हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, यानी कि सैंपल का कोई मान लो हमने बोला 50 से 70, तो ये हमने इस पॉइंट कॉन्फिडेंस इंटरवल ले लिया कि भाई इतना, अब जब भी हम पॉपुलेशन पैरामीटर निकालेंगे तो जरूर इतने के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा, यानी हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर को ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। ठीक है, यानी कि अगर जैसे मैंने थिएटर का नाम लिया या 68 से 72 कट ऑफ का नाम लिया, यानी 68 से 72 के बीच में कुछ भी हो सकता है 71.5 आ जाए, हो सकता है 69% आ जाए, तो हमने एक ऐसा ले लिया कि वो चीज़ को कवर कर दिया। अब हम जो ये कट ऑफ निकालते हैं वो भी कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, एक हम लोग सैम्पलिंग के बेस पे ही निकालते हैं। मान लो हमने एक क्वेश्चन आया बढ़ाया, अब हमारे आसपास जितने बच्चे एग्जाम तो देते हैं 5 लाख से भी ऊपर बच्चे, तो क्या हम क्वेश्चन आया 5 लाख तक के बच्चों को भरवा पाते हैं? नहीं, हम कुछ ही 100-150 बच्चों या 500 या उससे और ऐसा जो हमारे सैंपल को रिप्रेजेंट करे उतने बच्चे ही भर पाते। उतने बच्चों ने भरा और हमने देखा कि ओ ये उनके अकॉर्डिंग तो हमारा कट ऑफ 68% जा रहा है, तो हमने एक बोला कि नहीं चलो पॉपुलेशन में सैंपल में तो इतने आ रहा है लेकिन पॉपुलेशन का और भी बच्चे होंगे, तो चलो हम एक रेंज बना देते हैं। वो रेंज क्या बना देते हैं, 67 से 72 का एक रेंज बना देते हैं। अब आप बताओ कि ये जो 5 लाख जो पॉपुलेशन है, इसका रेंज हमने 68% आधे सैंपल का देखा और हमने इधर से भी एक घटा दिया और इधर से भी 2-3 बढ़ा दिया, तो ऑफकोर्स इस रेंज में जो 5 लाख या जो कट ऑफ आएगा रियल में, पूरे नेट का जो रिजल्ट आएगा वो रियल में इस कट ऑफ के बीच में इंक्लूड हो सकता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। यानी हमने कॉन्फिडेंस में ले लिया इस इंटरवल को कि हाँ भाई हमारा पॉपुलेशन जो है का जो वैल्यू या जो डाटा आएगा वो इसी कॉन्फिडेंस के बीच में रेंज करेगा। ठीक है, और जो एंड पॉइंट्स होते हैं यानी 68 से 72 जो हम लोग लिए, जो एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट ये एक एंड पॉइंट है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट्स। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है यानी ये वाला हमारा हो गया लोअर लिमिट, और जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो होता है हमारा अपर लिमिट। ठीक है, यानी कि हम लोग पॉइंट एस्टिमेट की जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, लोअर और अपर लिमिट का यूज करते हैं। और इसी तरह से रिसर्चर जो है अपने इस चांस को इंक्रीज कर सकता है कि उसका पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो उसमें इंक्लूड कर जाए, है ना। इसीलिए हमने जो क्वेश्चन आया लिया था उसमें कितना आया था 68%, बट मैंने क्या किया 2% इधर घटा दिया, 4% इधर बढ़ा दिया, अब कितना भी होगा तो इसी रेंज में ऑफकोर्स आएगा, तो यानी हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया कि हाँ भाई हमने जो एस्टिमेट किया था वो अप्रोक्स सही लगभग एस्टिमेट किया था। ठीक है, तो यही होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, और उसी को हम लोग फिड्यूशियरी लिमिट भी बोलते हैं। अब बताओ फिड्यूशियरी लिमिट क्या है, ये इंडिकेट करता है इंटरवल विद इन विच द मीन ऑफ द पॉपुलेशन लाई करेगा, यानी जो भी हम मीन निकाले, मान लो सैंपल का मीन निकाले कितना 85, अब हमने एक इंटरवल रिलेट कर दिया कि भाई जो हमारा पॉपुलेशन का मीन निकलेगा वो होगा 80 से 95 के बीच में, तो यही होता है हमारा फिड्यूशियरी लिमिट, यानी हम उस लिमिट को रखते हैं जहाँ पे हमारा मीन ऑफ पॉपुलेशन जो वो लाई करेगा। ये हम अलग से एग्जांपल दें, लेकिन अगर स्टैटिस्टिक में बात करें तो कहाँ लाई करेगा, तो लाई करना चाहिए हमारे 0.95 से लेके 0.99 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग इसको भी समझेंगे कि क्यों ये लेवल है। यानी फिड्यूशियरी लिमिट और कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ पॉपुलेशन मीन क्या है, एस्टिमेटेड होता है हमारे किस पे, सैंपल मीन। और जब हम पॉपुलेशन मीन को कंप्यूट करते हैं यानी इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हमको वहां पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन भी चाहिए। यानी सिमिलरली फिड्यूशियरी लिमिट को भी हमको जब करना होगा कैलकुलेट तो वहां पे हमको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। समझ में आया, मीन को कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, स्टैंडर्ड एरर चाहिए, तो उसी तरह से हम लोग को जब कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन के लिए करना होगा तो हमको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कंप्यूट करना होगा। समझ गए इस बात को, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड एरर को ही क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन समझते हैं इसलिए। अब आ जाओ, ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बोल रहा है यानी 0.95 से लेकर 0.99 के बीच में होना चाहिए, इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। इसका मतलब है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कहाँ से, सैंपल से, वो हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर को इंक्लूड करना चाहिए। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 95% का है,
इसका मतलब कि हम जो पॉपुलेशन पैरामीटर को कवर करेंगे वो हमारा 95% होगा कवरिंग का, यानी कि चांसेज है कि जो भी डाटा हम लिया उसका 95% चांस है कि उस डाटा के अंदर ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5% चांस है कि वो उस डाटा को कवर नहीं कर सकता है, ठीक है। और वही 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल ये थी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो 99% ऑफ द टाइम कवर करेगा, यानी कि अगर 99% हम कॉन्फिडेंस इंटरवल लिए हैं इसका मतलब एक ही परसेंट चांस है कि वो मेरे पॉपुलेशन पैरामीटर यानी जो सैंपल का जो मीन आया है और जो पॉपुलेशन का मीन है वो इसके अंदर नहीं आएगा, बस एक ही परसेंट ये चांस है। इसके अलावा चांस क्या है कि पूरा का पूरा जो भी डाटा लिए हैं वो 99% चांस है कि इसके अंदर वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला 68 से 72 कट ऑफ है, अब फ्रेंड्स मैंने तो अपने सैंपल के बेस पे ले लिया और अब बोला कि ये तो मैंने निकाला है ना वो एकदम 95% चांस है कि इसी के अंदर होगा, यानी 95% वो कॉन्फिडेंस में है कि जो भी हम वैल्यू बताए इसी के अंदर मेरा पॉपुलेशन पैरामीटर जो है लाई करेगा, 5% वो डाउट है कि नहीं कर सकता है। उसी तरह से 99% अगर लिए तो हम बोले कि मेरा जो ये डाटा है वो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में लाई करता है, यानी 99% हम कॉन्फिडेंस है कि जो मेरा पॉपुलेशन पैरामीटर है वो इसके अंदर लाई करेगा, सिर्फ एक ही परसेंट ऐसा चांस है कि वो इसके अंदर लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है द रिसर्चर विल मेक अ मिस्टेक ऑफ 5% ऑफ द टाइम विद 95% एंड 1% विद द 99%, जो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। द रीजन इज दैट 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल वाइडर है 95% से, ऑफ कोर्स हम 99% कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरा जो इंटरवल है वो इसी बीच में लाई करेगा, तो वो क्या है, ठीक है, कि वो इसी बीच में लाई करता है, यानी एक ही परसेंट चांस है कि वो एरर होगा। लेकिन रिसर्च में जो है जो वाइडर वाले होते हैं यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड वाइडर इंटरवल आर लेस प्रिसाइज, जो रिसर्च में जो वाइडर इंटरवल होते हैं वो लेस प्रिसाइज होते हैं, कम चांसेस होता है, यानी द इंटरवल फ्रॉम 20 to 80 ये वाइडर है, यानी 20 से 80 के बीच में हम डाल दिए 68 कट ऑफ आया और हम बोल दें कि कंफर्म है कि 50 से लेके भाई 80 के बीच में जो कट ऑफ आ ही जाएगा, ठीक है। तो क्या ये एग्जैक्ट है भाई, अब 50 से 80 कोई बच्चा हो सकता है, इतने बच्चे को 50 तो क्या सोचेगा, वो कट ऑफ तो 50 भी आ सकता है, मेरा जेफ निकल सकता है, वो कट ऑफ तो इतना जा रहा है, मेरा जेफ छूट सकता है, क्या प्रिसाइज है, नहीं है। लेकिन जब हम लोग लेस प्रिसाइज इंटरवल लेते हैं यानी जहाँ पे हम लोग 95 यानी 5% सिर्फ एरर का चांसेस होता है वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है, ठीक है। अगर हम लोग इंटरवल क्या लिए हैं 45 से 55 लिए हैं तो, ठीक है, समझ में आए, यानी इस जगह पे प्रिसाइजिंग कम होता है, ठीक है, जो डाटा है हमारा लेस प्रिसाइज होता है। लेकिन जो लेस इंटरवल वाले हम लोग लेते हैं वहाँ पे जो डाटा है वो क्या होता है, मोर प्रिसाइज होता है। प्रिसाइज का मतलब होता है ठीक, या हम बोल सकते हैं कि एक सेकंड फ्रेंड, एक ठीक है आगे बढ़े, तो ये चीज क्लियर है फ्रेंड सबको। एक बार फिर से मैं यहाँ रिकॉल कर देती हूँ, हम जो इंटरवल ले रहे हैं कौन सा ले रहे हैं रिसर्च में, 95 और 99%। 95 का मतलब है कि हम जो भी लिए हैं उसमें हम कॉन्फिडेंस है कि 95% तो वो सही होगा, बस 5% गलत होने का चांसेस है, और 99% में क्या है, बस 1% गलत होने का चांसेस है। लेकिन जब हम ऐसे बात करते हैं तो जो भी इंटरवल 5% चांसेस होने का चांसेस 95% लिए यानी 68 से 72 लिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर दिए 60 से लेकर 72 तक है, ये वाइडर ज़्यादा वाइडर कर दिए इसके मुकाबले। तो इस केस में जो प्रिसीजन होता है वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो लेस प्रिसाइज होता है, यानी लेस क्लियर और लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे तो हम एक्यूरेसी बता ही नहीं है भाई, 60, 61, 72 के बीच में कितने सारे होंगे सब अब समझेंगे कि मेरा जेरफ हुआ है, लेकिन इसके बीच में तो बहुत कम ही होंगे, तो वो लोग अपने में डाउट कर सकते हैं कि हाँ मेरा जेरफ है, क्योंकि ज़्यादा क्लियर और एक्यूरेट होता है, यानी जो वाइडर वाले हैं वो लेस क्लियर होते हैं और जो लेस वाइडर हैं यानी जिनमें 5% एरर बता रहे हैं वो मोर एक्यूरेट होते हैं, समझ आया। और जो ये हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला निकालते हैं उसका क्या है, वो यही है पॉइंट एस जो हम लोग फिड्यूशियल लिमिट जिसको भी हम लोग देखेंगे, ये बस जनरल फॉर्मूला है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्या है पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, जनरल फॉर्मूला है बट ये हमारे काम का नहीं है। अब आ जाओ
एक और सेंट्रल लिमिट थ्योरम जरूर सुने होगे, अगर पेपर वन पढ़े होगे आप लोग। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अनअकैडमी में नवदीप कौर से पढ़ते हो या फिर और भी टीचर से पढ़ते हो या कहीं भी पढ़ते हो, तो उन लोगों ने इस टर्म को जरूर यूज़ किया होगा। तो थोड़ा सा हम इन्फ्लुएंसर में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सेंट्रल लिमिट थ्योरी थ्योरम है, यह हमारे कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं किसके सैंपल के मीन को। इस थ्योरम के अनुसार अगर लार्ज नंबर ऑफ इक्वल साइज सैंपल यानी 30 से ज़्यादा सैंपल हम सेलेक्ट किए हैं किसी इनफाइनाइट पॉपुलेशन में, तो उसका मतलब होता है कि जो हमारा मीन है सैंपल का वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला कीवर्ड यानी सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अंदर जो सैंपल का मीन होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दूसरा, एवरेज वैल्यू ऑफ जो सैंपल होता है वो सेम होता है पॉपुलेशन का मीन, यानी यहाँ पे मीन एक्स बार इक्वल होगा पॉपुलेशन के मीन से, समझ आया, और मीन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन हैव इट्स ओन स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो सैंपल मीन होगा ना उसका अपना ही स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, और इसी स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, मीन का स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सैंपल मीन का जो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन और उसी का वो अपना स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बोलते हैं। ठीक है, और ये हमको क्या क्लू देता है, वो हमको ये क्लू देता है कि जो भी हमारा सैंपल मीन है वो कितना डेविएट, कितना दूर भागा है हमारे पॉपुलेशन मीन से। लाइक अगर हमारा सैंपल मीन 50 आया और पॉपुलेशन मीन 70 आया है, तो जो इसके बीच का डेविएशन निकालते हैं डिफरेंस या जो करके जो डेविएशन निकालते हैं वेरिएशन निकालते हैं उसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हमको क्या बोलता है, हाउ लार्ज द एरर ऑफ एस्टीमेशन, कितना बड़ा एरर ऑफ एस्टीमेशन है आर इन एनी पार्टिकुलर सैम्पलिंग सिचुएशन, किसी भी सैम्पलिंग सिचुएशन में। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन। ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऑलरेडी हम लोग फ्रेंड कैसे निकालते हैं, सबको पता है, एक्स माइनस डी अपॉन डी यानी मीन, है ना, ये करते हैं अपॉन एन, यहाँ पे इसको स्क्वायर करके और अंडर रूट ऐसे करके निकालते हैं, और उसी स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू उसमें अंडर रूट ना एन करते हैं फ्रेंड्स, पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तभी तो स्टैंडर्ड एरर मीन निकलेगा, समझ रहे हो फ्रेंड। यहाँ पे क्यों रूट एन किया, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से रूट करके कोशिश किया निकालने का, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बोलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सैंपल का साइज लेकर के निकाले डिफरेंशिएट किए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, ये ए नहीं ये सिग्मा है। ठीक है, और एन क्या होगा, साइज ऑफ द सैंपल। तो समझ में आया ये चीज, सेंट्रल लिमिट थ्योरम यानी सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोल रहा है, जब हमारा लार्ज नंबर ऑफ इक्वल साइज सैंपल यानी सैंपल का साइज इक्वल है और लार्ज नंबर में हो यानी 30 से ज्यादा साइज हो, तो उस केस में हमारा मीन जो है वो मीन सैंपल का जो मीन होगा वो हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन हमेशा इक्वल होगा, सेम होगा, और तीसरा उस केस में सैंपल का जो मीन है वो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करेगा, जिसको कि हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी बोल सकते हैं, जिसको कि एस ई से डिनोट करते हैं, एस ई एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको आप नेक्स्ट स्टैटिस्टिक का जो पॉइंट डील करेंगे उसमें हम लोग डील करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ, जो हम लोग अभी फिड्यूशियरी लिमिट देखे वो हमको क्या बोलता है, उस लिमिट को जो हम लोग अभी जस्ट देखे कि कैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं, तो वो हमारा ये वैल्यू होता है, क्या होता है, एम, एम क्या है यहाँ, मीन प्लस माइनस, प्लस मतलब अपर लिमिट, माइनस वाला वैल्यू यूज किया तो लोअर लिमिट, 1.96 स्टैंडर्ड एरर सिग्मा ई एम, समझ आया। यहाँ 1.96 क्यों लिए, अब इसको भी अभी देखते हैं, क्योंकि ये जो 0.05 लेवल पे यही वैल्यू आता है 1.96, क्रिटिकल वैल्यू मेरा यही होता है, और दूसरा है 2.58, 2.58 के लिए क्योंकि 0.01 लेवल पे जो हमारा वैल्यू आता है वो क्या होता है, 2.58 क्रिटिकल वैल्यू होता है, जिसको कि आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना, 1.96 हमारा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे रहेगा वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू, और 2.58 हमारा 99% इंटरवल पे होगा, और ये लिमिट ही हमारा फिड्यूशियरी लिमिट है, और इससे क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है कि आप बताओ 32 से 54 के बीच में कितने परसेंट, कौन सा लिमिट जो है वो रेंज करेगा, यानी कितना स्टैंडर्ड डेविएशन वाला वैल्यू रेंज करेगा या कितना पॉपुलेशन रेंज करेगा, जिसके लिए हम लोग इसी वैल्यू को यूज करते हैं, यही फिड्यूशियरी लिमिट से निकालते हैं, जिसको कि सीखेंगे आगे। देख लो ये पॉइंट लिख लो अपनी कॉपी में कि लिमिट इतना है, इतना कॉल कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ फिड्यूशियरी लिमिट, यानी अगर कोई बोले लोअर लिमिट बताओ
किस लेवल पे, 95% लेवल पे मान लो कोई बोल रहा है, तो वहां क्या करेंगे, लोअर लिमिट पूछा है तो मीन में से माइनस करेंगे 1.96 इनटू स्टैंडर्ड एरर, जो भी स्टैंडर्ड एरर हो, अगर दिया डायरेक्ट वैल्यू तो डायरेक्ट लिखेंगे, अगर नहीं दिया तो सॉल्व करके निकलेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड एरर को हमको जरूर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा अपॉन रूट एन करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। और यहाँ लिखा भी है कि 0.5 लेवल पे ये होता है, यानी ये जो इसका मतलब है कि इट फॉल्स आउटसाइड दिस लिमिट, यानी लोअर लिमिट और माइनस लिमिट, ठीक है। मीन ऑफ पॉपुलेशन लाइज विद इन द इंटरवल एंड इतना, यानी ये जो एरर है वो इस लिमिट के बाहर होगा 0.5, ठीक है, समझ आ रहा है। यानी अगर हमने निकाला इंटरवल, मान लो हमने कट ऑफ निकाला 68 से 92, तो हम 95% कॉन्फिडेंट है कि जो मेरा पॉपुलेशन ऑफ मीन है यानी एमपीओपी है वो इसी इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है। और जो एमपीओपी अलावा यानी जो एरर या जो भी आएगा वो क्या, इस लिमिट के बाहर, आउटसाइड इस लिमिट लाई करेगा, यानी 0.05 जो है वो इस लिमिट के बाहर लाई करेगा। उसी तरह से 0.01 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंडिकेट ये करता है कि 0.99 का मतलब 0.99 वाला जो वैल्यू वो इस लेवल के अंदर फॉल करेगा विद इन द इंटरवल, और 0.101 जो है वो इस लिमिट के बाहर फॉल करेगा, समझ आ गया। ठीक है, यानी अगर हम बोले कि 68 से 72 मेरा कट ऑफ है और ये 95% चांसेस है, यानी 0.95 जो है वो इसी लिमिट के अंदर फॉल करेगा, और जो 0.5 वैल्यू है वो इस लिमिट के बाहर फॉल करेगा। हो सकता है 73 या 74 कट ऑफ चला जाए, या हो सकता है 67 कट ऑफ चला जाए, तो 0.5 ही चांसेस है कि मेरा एरर जो है इतना के बाहर लाई करेगा, ठीक है। देखो ये यहाँ पे मैंने जेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू लिख दिया है, इसको आपको याद करना है, 95 और 99 तो जरूर याद होना चाहिए, 1.96 और 2.58, क्योंकि इसी की बेसिस पे आगे हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी अभी सीखेंगे, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे मैंने ये कीवर्ड लिख दिया है कि अगर 0.5 लिमिट होगा, लेवल होगा, तो मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर इनटू 1.96, और 0.99 लेवल होगा तो मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर मीन 2.58। ये प्लस माइनस हमको क्या डिनोट कर रहा है, प्लस है तो अपर लिमिट और माइनस है तो लोअर लिमिट, ठीक है। तो क्लियर है सबको, तो ये हमारा आज का कंटेंट है जो क्लियर हुआ। अब एक बार हम सारा जो पढ़ा है उसको रिकॉल कर देते हैं फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अब कल के वीडियो में हम लोग ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखेंगे, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्यों, क्या चीज कैसे है, किस तरह से, वो चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं चीजों को। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा कि इन्फ्लुएंसर स्टैटिस्टिक को समझने के लिए चार चीज समझना जरूरी है, वो क्या क्या, सबसे पहले सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंस, स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर को डिफरेंस, फिर इन्फ्लुएंसर स्टैटिस्टिक जो है हम तभी यूज करते हैं जब हमको पॉपुलेशन में इंटरेस्ट हो। फिर हमने क्या पढ़ा कि इन्फ्लुएंसर स्टैटिस्टिक में मान के चलते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग है, लेकिन रैंडम सैम्पलिंग है लेकिन फिर भी चूंकि वेरिएशन आता है इसलिए इसके अंदर क्या होता है, सैंपल एरर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रैंडम सैम्पलिंग जो है वो गलत है, का मतलब ये है कि चूंकि डाटा जो है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर नीचे होगा, इसलिए ये एरर आता है। लेकिन एक रिसर्चर चाहता है कि वह एस्टीमेट करे कि उसका एरर कितना है, और इसीलिए वो किसका यूज करता है, स्टैंडर्ड एरर का यूज करता है। और ये स्टैंडर्ड कुछ नहीं, क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का ही एक रूप है, क्योंकि वहां भी हम डेविएशन निकालते हैं, किसका देखते हैं कि हमारा मीन से जो है कितना डेविएशन हुआ है हमारा डाटा, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड एरर का यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े कि इस चीज को एरर या जो भी डाटा रिसर्च निकालने के लिए जो रिसर्चर होता है वो एक लिमिट डिसाइड करता है, ठीक है, एक्सपीरियंस करते हैं। एक लिमिट डिसाइड करता है, और वो लिमिट क्या है, वो लिमिट जो है हमारा जिसको कहते हैं फिड्यूसरी लिमिट या कॉन्फिडेंस इंटरवल,
क्यों इंटरवल डिसाइड करते हैं वो ये बताने के लिए कि हम जो भी डाटा सिलेक्ट किया, जो भी हमारा कैलकुलेशन आया है वो इसी इंटरवल के बीच में होगा, इसके आगे पीछे नहीं होगा। और जिसके लिए हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल कौन सा रखते हैं, दो रखते हैं, एक 95% और एक 99% पे। 95% वाला इंटरवल हमको क्या बताता है, बताता है कि 5% हम गलती किए होंगे, और 99% क्या बताते हैं कि हम 1% गलती किए होंगे। लेकिन मोर प्रिसाइज किसको बोला जाता है, इस 95% को। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो इंटरवल होता है वो जो है मोर एक्यूरेट और क्लियर होता है, लेकिन ये लेस एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो फिड्यूशियरी लिमिट कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला मीन प्लस, अगर 0.95 पे है तो 1.96 प्लस इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, और अगर हमारा 0.95 पे है तो मीन प्लस 2.58 या अपर लिमिट है दोनों, इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, है ना। ये 1.96 और 2.58 को पूछे तो क्या है, ये है जेड क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, जेड वैल्यू फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसको कि हम लोग क्रिटिकल वैल्यू भी बोलते हैं। ये तो अपर लिमिट हो गया, अगर अब इसका लोअर लिमिट लिखना हो तो कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट के लिए m माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और m प्लस 2.58 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। और अगर हम बोले कि नहीं इसको और तोड़ के बताओ, है ना, अगर हम बोले नहीं इसको और तोड़ के बताओ तो कैसे तोड़ेंगे, m प्लस जेड, जेड यहाँ पे क्या हो गया क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, जेड अब कौन सा लेवल दिया उस पर डिपेंड करेगा, 0.5 दिया है तो 1.96, 0.01 दिया है तो 2.58, इसको कि क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, इनटू एस, एस क्या है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग कल के न्यूमेरिकल में जरूर देखेंगे, कल जो स्टैटिस्टिक्स पर क्लास लेके आएंगे। ठीक है, तो ये सारा हम लोग आज जो है वो सीखे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आपको अच्छा लग चीज़ें समझ आई तो ज़रूर शेयर करो। एक और इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है फ्रेंड्स, मैं अब सोच रही हूँ कि आप लोगों को तो ऑलरेडी मैंने 100+ वीडियोज़ बना दिए हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखा है इन टॉपिक्स को देखो। और चूँकि अब मैं सोची है हाइपोथेसिस टेस्टिंग और स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल्स कराने के बाद अब आपके पास सिर्फ रिवीजन करने का टाइम है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवीजन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो हम जो है उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है रिवाइज करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो आप लोग को फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, अब मैं ये तो करूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला के दूंगी। ठीक है, और अब मैं अपने चैनल पे जो सीटेट है इसके लिए भी कुछ कंटेंट्स प्रोवाइड करूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझे मैसेज किया, टेक्स्ट किया कि प्लीज सीटेट का भी कुछ मटेरियल पढ़ाओ। वैसे तो ऑलरेडी बहुत है, लेकिन फिर भी चूंकि बोले कि आप वो भी करो तो अच्छा होगा, तो इसलिए मैं आपसे जो है सीटेट की भी कुछ कुछ वीडियोस डालते रहूँगी, चूँकि और वो हमारे नेट से बिल्कुल जैसे प्याज है, मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, और वो हमारे सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है और जेआरएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसके हिसाब से मैं वीडियोस को वो भी अप टू डाउन करूँगी। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सीटेट वाले या जो भी, उनको भी प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लिंक भेजो जरूर, वो अभी अभी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया तब भी वो मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो हमारा यूनिट 3 है उसके अंदर बहुत सारे मैंने ऐसे कंटेंट डील किए जो हमारे सीटेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप प्लीज़ उनको भी शेयर करो, और अगर अच्छा लगता है आपको मेरा कंटेंट तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जहाँ पे हम लोग डील करेंगे कि कैसी क्या है और कैसी सारा कुछ है, फाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जो आज पढ़े हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़।